अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। चलो हमारे साथ। हाँ तो क्या कह रही थी? देखिए हम ना अभी गुंडों से लड़कर आ रहे हैं, इतने भी नाजुक नहीं है हम। हमारे लिए तुम आज भी नाजुक हो, और आज के बाद तुम कोई भी घर में काम नहीं करोगी, अगर करोगी भी तो भारी सामान नहीं उठाओगी। ओके। हम तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आते हैं। ये कितने लोगों का खाना है? ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नाश्ता है। पूरे हफ्ते के लिए? नहीं, ये नाश्ता आपको सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में खत्म करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा आने वाला बच्चा या हमारी बच्ची क्यूट हो, तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल हो, या फिर मेरी तरह हैंडसम हो, ताकि हम उसको पूरी दुनिया का प्यार दे सके। दुनिया का सबसे ज्यादा प्यार देंगे उसे। सबसे ज्यादा? हाँ? अभी तक बच्चा आया नहीं और उसे हमसे ज्यादा अहमियत मिल रही है। तो क्यों नहीं देंगे उसे अहमियत? तुम्हारा हिस्सा जो है हमारे प्यार की निशानी। अब अहमियत तो देंगे ना उसे। बस मेरा अब क्यों नहीं चलता है, तुझ संग जुड़ी है मेरी प्रीत की डोरी, मन मेरा पतंग सा उड़ता है। अब फटाफट ये नाश्ता कंप्लीट करो प्लीज, उसके बाद एक और काम है हमें। एक बार बताइए, दुनिया का कौन सा इंसान दूध और जूस एक साथ पीता है? ऑप्शन है, दूध पीना तो दूध पी सकती है, अगर जूस पीना तो जूस पी सकती है। तो आप बताइए क्या पीएंगे, दूध या फिर जूस? जूस। जूस। नाइस। पहले ये खाइए। आप भी खाली पेट रहेंगे तो कैसे चलेगा? अनी,
आई एम सॉरी वारी, लड़ाई हमारे परिवार की थी लेकिन तुमने अपना सब कुछ खो दिया। वानी, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिली, बल्कि तुम हमारी और हमारी पत्नी की मदद कर रही थी, इसीलिए आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। क्या? नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ नहीं रह सकती। मेरे पापा ने जो आप लोगों के साथ किया है उसके बाद मैं आप लोगों से नजरें भी नहीं मिला सकती। उन्होंने आपके भाई की जान ली है। नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। वानी, जो कुछ भी किया तुम्हारे पापा ने किया, 20 साल पहले उन्होंने गलती की थी और आज भी वही गलती दोहरा रहे थे। अब उनके किए की सजा तुम्हें कैसे मिलेगी? और अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना वानी, तो तुम्हें साथ चलने के लिए कहते भी नहीं हम। अगर हमारे घर ने उसका बेटा खोया है तो तुमने तो अपना पूरा परिवार खो दिया है ना। प्लीज हमारी बात मान जाओ। वैसे भी हम तो प्रेग्नेंट है, तुम्हें तो हमारी हर बात माननी होगी, मना नहीं कर सकती तुम हमें। और वानी, तुमने सिर्फ हमारी बीवी की नहीं बल्कि हमारे होने वाले बच्चे की भी जान बचाई है। ध्रुव जी, मेरे पापा ने तुम्हारे परिवार को जितनी भी तकलीफें दी है उन सभी चीजों के लिए मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। नहीं, सॉरी तो हमें बोलना चाहिए वानी। हमने इतना बुरा भला कहा, तुम्हें इतना टॉर्चर किया, यहां तक कि बंदूक तुम्हारे सर पे तान दी। जानते कि वो एक नाटक था लेकिन फिर भी। नहीं नहीं, तुम जिन हालातों से गुजर रहे थे तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वैसा ही करता। वानी, कभी कभी हम कुछ लोगों को अपना समझ कर उन पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, बाद में हमें उसी की कीमत चुकानी पड़ती है। जैसे पापा के साथ हुआ प्रताप जी की वजह से। खैर, ये सब पुरानी बातें हैं। तुम जाओ अपना सामान बांधो, हमें घर चलना है। वानी, जब तक वानी अपना सामान पैक करके आ रही तब तक तुम जाके गाड़ी में बैठो, ठीक है? बड़ी अच्छी प्लानिंग की सृष्टि ने, अपनी ही शादी में तुम्हें मेरे हाथों अगवा करवाने का और रॉकी को मारने का। रॉकी को मैंने मरवाया, किसी का कोई बात नहीं है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कुछ नहीं। वो दानी, प्लीज थोड़ा संभाल कर, क्या सोच रही हो दानी? कुछ नहीं ध्रुव जी, बस पैर मुड़ गया था हमारा। सृष्टि के बारे में सोचकर परेशान होना तुम। दानी, प्रताप ने अपना गुनाह खुद कबूल किया है सबके सामने। उसने सबके सामने ये कहा कि रॉकी की मौत का जिम्मेदार वो है, और अब सृष्टि रॉकी के बच्चे की मां बनने वाली है। थोड़ा सा भरोसा रखो उस पर। ध्रुव जी, यही तो चाल है उनकी। वो हम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करके हमें अपनी तरफ करना चाहती है। सच तो ये है कि सब कुछ एक नाटक है, मां नहीं बनने वाली है वो। और ये बात हमें साबित करनी होगी ध्रुव जी, उनके इस नाटक पर से पर्दा हटाना होगा। धानी,
डॉक्टर ने कहा है कि तुम स्ट्रेस नहीं ले सकते इस सिचुएशन में बिल्कुल भी, और स्ट्रेस ना ही तुम्हारे लिए अच्छा और ना ही होने वाले बच्चे के लिए, और वैसे भी हम एक हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। स्ट्रेस मत लो प्लीज, हम नहीं चाहते कि होने वाले बच्चे पे जरा सा भी असर हो इस बात का। ध्रुव जी, हम बिल्कुल ठीक हैं, हमारे बच्चे को या हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब तक दीदी हमारे साथ है, हमारे घर में है, तब तक कुछ सही नहीं होने वाला। जब तक उनका काला साया हमारे घर में है, खुशियां घर के दरवाजे तक भी नहीं आएंगी। प्लीज हमारी बात मानिए आप, अब हमें ये नाटक का अंत करना ही होगा, सबके सामने सच लाना ही होगा। ठीक है, एक बार के लिए तुम्हारी बात मान भी लेते हैं, ये सब नाटक है, लेकिन ये बात पूरे परिवार को कैसे साबित करोगे तुम? एक रास्ता है हमारे पास, एक आइडिया है, बस आपकी मदद चाहिए। कोशिश करेंगे हम, लेकिन आखिर में हम फिर भी यही कहेंगे कि धानी छोड़ दो ये सब। बस एक बात ध्रुव जी, भरोसा कीजिए हम। आओ वानी। आओ बच्चे, वहां क्यों खड़े हैं? आओ आओ अंदर आओ। बस बस बच्चों, बस बस, हम इस बात में बिल्कुल विश्वास नहीं करते कि माँ बाप के कर्म जो हैं वो बच्चों को भुगतने पड़ते हैं। भानु प्रताप शांडिल्य की पुत्री हैं आप, उसके कर्म उसके साथ। इस घर के अंदर आज के बाद आपको किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। अब ये तो नहीं कहता हूं कि हम आपके लिए भानु प्रताप बन सकता हूं, नहीं, लेकिन आपको कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। थैंक यू अंकल। आशीर्वाद लीजिए। बड़ों के गुस्से में ही उनका प्यार होता है वानी। जब हम यहाँ पहली बार आए थे तो हमारे साथ भी ये लोग कुछ ऐसा ही बर्ताव करते थे, पर आज देखो यहाँ पर हमें सबसे ज्यादा प्यार करने वालों में से है ये दोनों। भरोसा रखो। आरती लो। हम सोच रहे थे कि धानी को सोनोग्राफी के लिए ले जाएं। अब धानी को ले जा रहे हैं तो फिर हम सृष्टि को भी ले जाते हैं साथ में। अरे क्या हुआ, आप ऐसे घबरा क्यों गई? हमारा चेकअप क्यों? सृष्टि, तुम भी मां बनने वाली हो ना, अब ये चेकअप वेकअप तो हर हफ्ते हर महीने होते रहेंगे, तो एक काम करो, जल्दी जाके रेडी हो जा, चलते हम। वो दरअसल घर में बहुत काम है ना। हाँ तो काम है तो क्या हुआ, इतने सारे लोग हैं, वो संभाल लेंगे, हम लोग जल्दी आ जाएंगे वापस, तब तक बुआ जी, संस्कृति, भाभी सब है ना, वो संभाल लेंगे काम। आप जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। और हाँ, एक बार हम वहाँ पहुँच गए तो सबसे पहले आपका ही करवा लेंगे काम, फिर सबको सच जल्द से जल्द पता चल जाएगा। धानी बेटा, कैसा सच? मतलब बच्चे की सेहत कैसी है, ठीक है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, यही आम बातें। सही कह रही है बेटा धानी, हाँ जाके सारे चेकअप करा ले तो क्या ना, हम सबकी तसल्ली हो जाएगी। अब जाइए ना, तैयार हो जाइए, देर हो रही है। अगर हमारा चेकअप हुआ तो
तो सबको पता चल जाएगा कि हम प्रेग्नेंट नहीं है। धानी ने तो हमें फंसा ही दिया। चिंता मत कीजिए दी, हम आपको ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां आपको कोई नहीं पहचानता। एक बार आपका सच बाहर आ जाए फिर यहाँ के लोग आपके साथ यहाँ खड़े होकर पूजा नहीं करेंगे, धक्के मार के आपको घर से बाहर निकालेंगे। देख धन, अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं है। हमारे परिवार को आपकी काली करतूतों से बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी भी समझा रहे हैं आपको, चुपचाप बिना किसी को कुछ कहे यहाँ से निकल जाइए। हम भी किसी को कुछ नहीं बताएंगे। बंद कीजिए अपना ये नाटक। धानी, सृष्टि, जल्दी आओ, लेट हो रहा है। डर लग रहा है? ये जो तू खेल खेल रही है ना, ये तूने हमसे ही सीखा है, और इस खेल में हम हमेशा तेरे आगे रहेंगे। चलिए ना, आप तो गिरती, आपके चक्कर में हम भी गिर जाते। सृष्टि, दानी, तुम दोनों ठीक तो हो ना बेटा? हम ठीक है, पर ध्रुव जी समझाइए ना इन्हें। अगर ये माँ बनने वाली है तो इन्हें और भी सावधान रहना चाहिए ना, ऐसे लापरवाही थोड़ी कर सकती हैं। कहाँ तो लग जाए धक से। दानी ठीक कह रही है बेटा, आप तुम्हें अपना दुगना ध्यान रखना होगा। हमें काम करते हैं, गाड़ी लेके आते हैं, तुम लोग बाहर आ जाओ। समझ कर वो क्या है ना, आपका ये पैंतरा थोड़ा ज्यादा ही पुराना हो गया है। अगली बार कुछ नया ट्राई कीजिएगा, लेकिन उसका भी आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर हॉस्पिटल तक हम आपके साथ कोई भी हादसा होने नहीं देंगे। अब सीधा क्लिनिक में जाकर आपका सच सबके सामने आएगा। चले, रूपा अच्छा सूप बनाना हाँ, धानी और सृष्टि के लिए। आंटी, ए लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? किसने कहा तुझे यहाँ आने के लिए? चल निकल यहाँ से। वो मैं बस कुछ नहीं सुनना हमें, तेरे बाप ने ना इस घर के बेटे की जान ली है, तुझे यहाँ रहने दे रहे हैं यही बहुत है तेरे लिए, जा यहाँ से। ए बैरी है क्या, सुनाई नहीं दिया क्या कहा हमने? निकल यहाँ से, तेरी हद तेरे कमरे तक ही सीमित है, यहाँ वहाँ आने की कोई जरूरत नहीं, चल निकल यहाँ से। रोते नहीं, हमने कहा था रूपा जी कि माँ बाप के कर्म अलग होते हैं, बच्चों के कर्म अलग होते हैं। माँ बाप के कर्मों का नतीजा बच्चों को नहीं मिलना चाहिए तो नहीं मिलना चाहिए। अगर इसके पिताजी ने कुछ किया है, हमारी खुशियां छीनी हैं, इसके ये मायने नहीं कि हम उसकी बच्ची को तकलीफ दें। ये गलत बात है, और हमने अच्छी तरह कहा था रूपा जी कि ये इस घर में आई है, इसे कोई तकलीफ होगी तो काशीनाथ पांडे को तकलीफ होगी। आपने क्या कहा वो हमने सुना भी और हमें पता भी है, पर इस लड़की का खूनी बाप तो यहाँ है नहीं जो हम उसे सजा दे सके। अगर वो यहाँ होता ना तो गला घोटकर मार डालते हम उसे, इसलिए हम इस लड़की को सजा दे रहे हैं।
काशी कहां तो लग जाए ढंग से। अरे तुमने अपनी मनमानी करके इस लड़की को घर में जगह दी है ना, अब हम लोगों से ये उम्मीद मत करो कि हम इसे अपना भी लें। चलो रूपा। बस बच्चे, हमने कहा ना, बहादुर हैं आप, रोएंगी नहीं और इस दुनिया का, इस जमाने का डटकर सामना करेंगी आप। अरे ये दिल की अच्छी है, ये वक्त की बात है बच्चे। वो सुना है ना आपने, नरबलि नहीं होते हैं समय बड़ा बलवान, बीलन लूटी गोपी हम वही धनुष वही बाण। यही ना बात जी हाँ, महादेव सब ठीक करेंगे। आ बच्चा। दीदी आप हमसे बड़ी हैं तो पहले आप देख लीजिए इधर। आप देखना ध्रुव जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, फिर शायद आपको उन पर यकीन होगा।